ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को महासप्तमी के दिन किस प्रकार आप माँ कालरात्रि की पूजा करें और क्या पूजा विधि रहनी चाहिए और क्या मंत्र होना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। नवरात्रि का सातवां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और सारी जो बाधाएं होती हैं और संकट हैं उनका नाश होता है। शक्तियों का यह स्वरूप शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाला है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी है जिन्होंने मधुकेटप जैसे असुरों का वध किया था। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों में से एक हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण का है। काले रंग के कारण उनको कालरात्रि कहा गया है। चार भुजाओं वाली माँ कालरात्रि दोनों बाएं हाथों में क्रमश कटार और लोहे का कांटा धारण करती हैं। माँ दुर्गा ने असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न कर आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर भी विजय की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ दुर्गा के इस विशेष रूप का अगर आप बात करें तो आप ओम एम क्लीम चामुंडा विच्छे ओम कालरात्रि देव्य नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना दुर्गा सप्तशती का पाठ करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और माँ कालरात्रि का मंत्र का जाप करना है तो आप वह भी कर सकते हैं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद आप ध्यान रखिए कि जो सिद्धि कुंजी का स्तोत्र का पाठ है वह अवश्य करिए, उसके बाद ही आपकी पूजा जो है वह संपन्न होती है। चैत्र नवरात्रि के सातवें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का स्मरण करें, फिर माता को अक्षत धूप गंध पुष्प और गुड़ या फिर कोई मिठाई नैवेद्य श्रद्धापूर्वक आप चढ़ाएं। माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रात रानी है, यह फूल उनको ज़रूर आप अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि के मंत्रों का जप करें और आरती करें और पूजा पाठ आप करें। साथ ही ध्यान रखिए कि सबसे पहले गणेश भगवान का आप आवाहन ज़रूर करें अगर आप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो, या किसी भी भगवान की पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान का आप स्मरण अवश्य किया करिए। यह तंत्र साधना के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रात होती है जो कि सप्तमी तिथि होती है नवरात्रों की। दुर्गा पूजा का सातवां दिन तांत्रिक क्रियाओं की साधना करने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन माँ की आँख खुलती है। कुंडलिनी जागरण करने के लिए साधक बहुत परिश्रम के साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ आप माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद क्रोध से छुटकारा, साथ ही मन की शांति और शत्रुओं का विनाश अवश्य ही होता है। यह सब चीज़ें होती हैं सप्तमी के दिन। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।